Hi guys. Hello everyone. Hello people. Hi Anju ji. Hello Jasmine. Kaise hain aap sab? How are you all? Hi mama. Thank you for joining everyone. Let's wait for a couple of seconds more aur fir hum start karte hain hamara live. Hello Rajveer, how are you? Thank you for joining. Hello Rachna ji. Okay guys, let's begin with today's live. My name is Sharon Bedi D'Souza and I am the owner and founder of Toss & Cook. Today I am going to be making a wonderful midnight snacking recipe. ये midnight snacking show है, but जो रेसिपी मैं बताऊंगी वो आप एज इवनिंग स्नैक्स एज स्टार्टर्स एज यू नो पार्टी स्टार्टर्स भी बना सकते हैं. तो द नेम ऑफ माई डिश इज पटेटो कैनोलीज. नाउ आई होप एवरीबडी नोज वट कैनोलीज आर. कैनोली एक इटालियन डिजर्ट है, ठीक है, बट मैं इसे एक ट्विस्ट दे के डिजर्ट नहीं बनाऊंगी, बट हम एक सेवरी वर्जन बनाने वाले हैं जो हम एज अ स्नैक खा सकते हैं. It's going to be a very simple, very super duper easy recipe with you know एकदम basic ingredients जो सबके घर पे available रहते हैं. So let's quickly start. Hello everybody. ठीक है, hello Anu ji, hello Rinku ji. अब हम start करते हैं. तो इस recipe में जो normally जो cannoli का जो base होता है वो हम फ्लावर से बनाते हैं और उसे हम डीप फ्राई करते हैं. वो थोड़ा सा स्वीट होता है, बट सिंस हम सेवरी बना रहे हैं आई एम यूजिंग ब्रेड. ओके, नाउ लेट्स क्विकली टेक अ लुक एट व्हाट वी आर गोना बी मेकिंग एंड हाउ वी आर गोना बी मेकिंग. यहाँ पे मेरे पास ब्राउन ब्रेड है. आप चाहे तो आप व्हाइट ब्रेड भी ले सकते हैं. और मैं एक बहुत अच्छी सी टिप भी शेयर करने वाली हूँ विथ एवरीवन जो यू नो ये रेसिपी के लिए और जितनी ब्रेड रेसिपीज आप बनाते हो उसके लिए आपको हेल्पफुल रहेगी. सो द टिप दैट आई एम गोइंग टू बी शेयरिंग विथ यू इज नॉर्मली हम ब्रेड को जब रोल करते हैं तो हम उसे ना एजेस काट देते हैं और फिर हम उसे फ्लैट करते हैं. बट व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज पहले हम एक ब्रेड लेते हैं, हम पहले इसे फ्लैट करेंगे और फिर हम उसे एजेस कट करेंगे. आई विल टेल यू व्हाई. यू नो पहले लेट्स स्टार्ट फ्लैटनिंग आवर ब्रेड. ठीक है, अच्छे से फ्लैटन कर लीजिए. नाउ Does anybody know? कोई मुझे बता सकता है कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? नॉर्मली क्योंकि ब्रेड के रोल्स बनाते हम पहले एजेस कट कर रहे हैं, बट आज मैं पहले फ्लैट कर रही हूँ और फिर मैं एजेस कट करूंगी. कोई मुझे बता सकता है हम ऐसे क्यों कर रहे हैं? ओके, तो मैं बता देती हूँ. हम इसलिए ऐसे कर रहे हैं क्योंकि जब हम पहले एजेस कट करते हैं तो हमारी ब्रेड का काफी सारा जो सॉफ्ट पोर्शन है ना वो वेस्ट हो जाता है. तो जब हम पहले उसे फ्लैट कर लेंगे, रोल कर लेंगे और फिर हम कट करेंगे तो जो हमारा सॉफ्ट पोर्शन है वो ज्यादा वेस्ट नहीं होगा. आई विल शो यू इफ यू टेक अ क्लोजर लुक एट दिस. वर्किंग विद ब्रेड इज लिटिल मेसी बट आई स्टिल शो इट टू यू ऑल. ओके, नाउ इफ यू सी जो हमारा ब्रेड फ्लैट हो गया है, अब जब हम इसे कट करेंगे तो इसका जो
सॉफ्ट पोर्शन है वो ज्यादा वेस्ट नहीं होगा, आपका सिर्फ ब्राउन इतना हिस्सा बाहर आएगा निकल के। तो आप जब भी रोल्स बना रहे हैं या कुछ भी बना रहे हैं, यू नो इफ यू वॉन्ट बिगर रोल्स, दिस इज द बेस्ट वे, और आपकी ब्रेड भी ज्यादा वेस्ट नहीं होगी। और ऑब्वियसली ये जो हार्ड एजेस है इसके हम ब्रेड क्रम्स बना सकते हैं, तो ये हमेशा रीयूज हो जाते हैं, सो देयर इज एब्सोल्युटली नथिंग टू वरी। ओके, आई जस्ट कीप दिस ओवर हियर। अगर आपको अभी भी लग रहा है कि आपकी ब्रेड थोड़ी सी थिक है तो नो प्रॉब्लम, आप फिर से थोड़ा रोल करके इसे थिन कर लीजिए। आप इफ यू कैन सी माय ब्रेड इज थिन इनफ। ओके, अब हम इसे एक रोल करेंगे, ठीक है। आई एम गोइंग टू यूज वाटर ओवर हियर, आई हैव लिटिल वाटर, क्योंकि हमें इसे चिपकाना है, हम इसे कैनली का शेप देंगे, तो वी डोंट वॉन्ट आर ब्रेड टू ओपन अप, तो इसलिए हम चिपकाएंगे ये एज और ये एज, हम इसे पकड़ के सील कर देंगे, ठीक है। जस्ट प्रेस इट विथ योर थम एंड दीज टू फिंगर्स, ये वाली अंदर जाएगी एंड दिस वन विल बी लाइक दिस। इफ यू वॉन्ट आप थोड़ा पानी यहाँ एजेस पे भी लगा सकते हैं, ठीक है, तो इससे ना अच्छे से सील हो जाएगी ब्रेड। नाउ दिस इज डन, तो हमारा जो ये रोल है या ये जो कैनली है जिसमें हम स्टफ करने वाले हैं, सी इसके अंदर जाएगी हमारी स्टफिंग, ये रेडी हो गया है। नाउ व्हाट वी गोना डू इज आई विल बी डीप फ्राइंग दिस, ठीक है। अगर आपके पास व्हाइट ब्रेड है यू कैन ऑल्सो यूज व्हाइट ब्रेड, बट मेरे पास ब्राउन ब्रेड थी सो आई एम यूजिंग ब्राउन ब्रेड। वी आर गोइंग टू बी डीप फ्राइंग दिस। इफ यू वॉन्ट आप इसको ओवन में डाल के आप बेक भी कर सकते हो, लाइक टोस्ट भी कर सकते हो ऑन द ग्रिल मोड, सो दैट इज ऑल्सो फाइन, द चॉइस इज योर्स। नाउ मैंने यहाँ पे तेल गर्म होने रखा है, जब तक तेल हमारा गर्म हो रहा है आई जस्ट सी इफ एनी वन हैज एनी क्वेश्चन। हेलो रजिया जी, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। हाई टेंसिल, थैंक यू ममा। ओके, ठीक है, हमारा तेल गरम होने देते हैं हम। इसके अंदर जो स्टफिंग मैं यूज करने वाली हूँ उसमें हम डालेंगे मैश्ड पटेटोज, ठीक है। मैश्ड पटेटोज की ना काफी सारी रेसिपीज आपको मिल जाएगी, बट आई एम गोइंग टू मेक माय वर्जन ऑफ इट, क्योंकि ये मिडनाइट स्नैकिंग है तो हमें ना थोड़ा इंस्टेंट स्नैक्स और जो फटाफट बन जाए जब हमें भूख लगती है, मैं वैसा वाला एक वर्जन आपको बताऊंगी। सो देयर इज नो कुकिंग एट ऑल। नॉर्मली मैं क्या करती हूँ, मेरे फ्रिज में हमेशा ना पटेटोज बॉइल्ड रहते हैं, सो इट्स अगेन वन मोर टिप इफ यू ऑल वॉन्ट टू फॉलो, यू ऑल कैन ऑलवेज कीप लाइक यू नो 3-4 पटेटोज बॉइल्ड इन योर फ्रिज, तो आपको कटलेट्स या यू नो ब्रेड रोल्स ऐसे कुछ भी बनाना है फटाक से निकालो, आप उसे मैश कर लो, पील कर लो, मैश कर लो एंड यू ऑल गुड टू गो। सो मैं हमेशा रखती हूँ, ठीक है, ये हमारा हो गया है। नाउ आई विल फ्राई दिस, ऑयल इज डिसेंटली हॉट इनफ, ठीक है, ज्यादा हमें फ्राई नहीं करना, इट विल ओनली जस्ट टेक अ कपल ऑफ सेकेंड्स टू फ्राई इट। और ये बहुत जल्दी ब्राउन भी हो जाएगा। जस्ट कीप मूविंग इट ताकि ये ओवर एकदम ज्यादा ब्राउन ना हो जाए, जस्ट कीप मूविंग द ब्रेड। ओके, लेट मी चेक फॉर क्वेश्चंस जब तक हमारा ये रोल फ्राई हो रहा है। ओके गाइज, हेलो दीप्ति, हेलो फौजिया, थैंक यू सो मच, हेलो चंद्रा जी। ओके गाइज, जब तक मेरा ये रोल फ्राई हो रहा है मुझे बताना है कि आई एम ऑल्सो देयर ऑन इंस्टाग्राम, मेरे इंस्टाग्राम का हैंडल का नाम है @tossandcook, सो प्लीज 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 गो अहेड एंड फॉलो मी, वहां पे भी आपको मेरी बहुत सारी रेसिपीज मिल जाएगी। एंड आई एम ऑल्सो देयर ऑन फेसबुक,
फेसबुक पे मेरा पेज भी है और मेरा ग्रुप भी है, अगेन बाय द नेम ऑफ टॉस एंड कुक, आप वो ज्वाइन भी कर सकते हैं। ये देखिए हमारी ब्रेड फ्राई हो रही है एंड इट्स टर्निंग ब्राउन। ओके आई विल क्विकली रिपीट फॉर यू ऑल। हम बना रहे हैं पोटैटो कैनलीज, ओके, जिसमें जो कैनली का बेस है, अदिति जी आई एम रिपीटिंग दिस रेसिपी, जो कैनली का जो बेस है उसके लिए मैंने ब्रेड लिया है, आई हैव ब्राउन ब्रेड, आप चाहे तो व्हाइट ब्रेड भी यूज कर सकते हैं, उसे आप फ्लैट कर लीजिए अच्छे से और फिर उसके एजेस आप कट कर लीजिए, ठीक है। उसके एजेस आप कट कर लीजिए एंड देन एक कॉर्नर पे उसके थोड़ा सा आप पानी लगा दीजिए एंड जस्ट जो दो कॉर्नर्स है उसे आप चिपका दीजिए पानी से, अगर पानी कम पड़े तो यू कैन जस्ट विद द टिप ऑफ योर फिंगर यू कैन ऐड सम मोर वाटर। सी आवर ब्रेड इज नाइसली फ्राइड, ओके, एंड इट्स बिकम नाइस एंड क्रिस्प। अब हम इसे निकाल लेंगे, आप इसे ओवन में आप इसे टोस्ट भी कर सकते हैं, ग्रिल भी कर सकते हैं। ओके मैंने क्योंकि हमारे पास टाइम लिमिटेड है तो मैंने काफी सारे पहले से ही फ्राई करके रखे हैं और ये एक वाला मैंने अभी किया है टू शो यू ऑल। आई रिमूव इट ओवर हियर इन द प्लेट। ओके इफ यू सी मैंने काफी सारे पहले से बना के रखे हैं यहाँ पे, आई विल मूव दिस असाइड। ओके अब हम बनाएंगे कैनली की फिलिंग। ओके फौजिया जी मेरे पेज का नाम है टॉस एंड कुक विद शैरन, TOSSNCOOK, टॉस एंड कुक विद शैरन। फेसबुक पे मेरा पेज है और ग्रुप भी है और इंस्टाग्राम पे भी मेरा सेम नाम से मेरा हैंडल है @TOSSNCOOK। यस रचना जी यू कैन यूज फ्रेश ब्रेड, आई हैव यूज फ्रेश ब्रेड, आई वुड नॉट रेकमेंड ओल्ड या स्टेल ब्रेड क्योंकि वो यू नो देर आर चांसेस कि वो ब्रेक हो जाए या क्रैक हो जाए, एक दो दिन इज ओके। ओके अब हम बनाते हैं इसकी फिलिंग। फिलिंग के लिए मैंने लिए है यहाँ पे दो पटेटोज, ठीक है, ये मैं पहले से ही बॉइल करके रखती हूँ अपने फ्रिज में, तो अगर आपके फ्रिज में भी पटेटोज बॉइल्ड पड़े हैं पहले से, तो अगर आप मैश पटेटो बना रहे हैं व्हाट यू कैन डू इज उसे आप माइक्रोवेव में 1 मिनट के लिए या 2 मिनट के लिए चला लीजिए और फिर वो अच्छे से गर्म हो जाएंगे, जब वो गर्म हो जाएंगे तो वो अच्छे से स्मूथली यू नो इजिली मैश हो जाएंगे। एंड आई ऑलवेज यूज, अगर आपके पास मैशर नहीं है आई ऑलवेज यूज अ फोक। यहाँ पे मैंने दो पटेटोज मैश किए हैं, ओके, इसमें अब हम डालेंगे अमूल का बटर, यहाँ पे मेरे पास है मेल्टेड बटर, मैंने मेल्ट किया है, आई एम गोइंग टू टेक 1 स्पून प्लस 1 more 2 spoons, ठीक है। आई हैव 2 mashed potatoes here, ओवर here आई हैव लिटिल मिल्क, ठीक है, मैंने इसे गर्म कर लिया है, वार्म मिल्क है तो ये भी हम ऐड कर लेंगे, ज्यादा नहीं करेंगे पहले, ठीक है, मिल्क से अच्छा सा टेक्सचर और क्रीमीनेस आएगा, प्लस इसे और क्रीमी बनाने के लिए आई हैव सम कुकिंग क्रीम ओवर हियर, दिस इज नॉट फ्रेश क्रीम, दिस इज कुकिंग क्रीम, आई एम गोइंग टू बी एडिंग दिस कुकिंग क्रीम ओवर हियर। ये काफी रिच और काफी हेल्दी कुकिंग क्रीम है एंड इट्स वेरी डिलिशियस, सो इसे हम मिक्स कर लेंगे अच्छे से। ओके दिस विल मेक आ पटेटोज आ मैश पटेटोज नाइस एंड क्रीमी। मिक्स एवरीथिंग वेल टुगेदर। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी सीजनिंग्स। Seasonings are also very easy, very simple, very basic.
ठीक है। और ये यू नो द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस रेसिपी इज, द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस रेसिपी इज कि बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी है, एट द सेम टाइम इट्स सुपर डुपर डिलिशियस, वेरी डिलिशियस। तो यहाँ पे मेरे पास थोड़े ड्राइड पार्सली फ्लेक्स हैं, मैं वो डालूंगी मैश पोटेटोज में। ओके आप कोरिएंडर भी डाल सकते हैं, फ्रेश वाला भी डाल सकते हैं पार्सले। ठीक है, और इसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा सॉल्ट। सॉल्ट केयरफुली डालना क्योंकि हमने इसमें बटर भी डाला है। एंड आई विल ऐड लिटिल बिट ऑफ रेड चिली फ्लेक्स। अगेन आपको तीखा पसंद है तो आप ज्यादा डाल सकते हैं। एंड जस्ट गिव ऑल दिस अ वेरी नाइस मिक्स। ओके सी इफ यू कैन सी, हमारा जो पटेटो मैश पटेटो है इट्स नाइस एंड क्रीमी, बहुत ही अच्छा इसका टेक्सचर आया है। इफ़ यू वॉन्ट आप इसमें थोड़ा सा और क्रीम भी डाल सकते हैं या थोड़ा सा और दूध भी डाल सकते हैं। मैश पटेटो के काफ़ी आपको रेसिपीज मिल जाएंगे जिसमें उसको गैस पे भी कुक किया जाता है, बट ये एकदम झटपट सा इंस्टेंट मैश पटेटो का रेसिपी मैं आपके साथ शेयर किया है। आई जस्ट चेक इफ एनी वन हैज क्वेश्चंस। ओके मिस्टर मुखर्जी, माई द नेम ऑफ माई फेसबुक पेज इज टॉसिन कुक, POSSNCOOK। यस फौजिया जी, यू कैन डेफिनेटली यूज अमूल का फ्रेश क्रीम, बट उसे रूम टेम्परेचर पे यूज करिएगा, ठंडा वाला मत करना। और कुकिंग क्रीम इज ऑप्शनल, यस रिंकू जी, कुकिंग क्रीम इज ऑप्शनल, बट यू नो अगर आप यूज करोगे तो जो मैश पोटैटो का टेक्सचर है वो ज़्यादा अच्छा और क्रीमी हो जाएगा। और जब आप बटर मेल्ट कर रहे हो ना, मैंने तो माइक्रोवेव में किया, उसमें आप मिल्क भी डाल सकते हो साथ में, और एक चीज़ का क्यूब भी आप ग्रेट करके डाल सकते हो, तो ये चीज़ी बन जाएगा। बट मैं चीज़ नहीं डाल रही हूँ, आई एम जस्ट पुटिंग सम क्रीम। ओके गाइस, जो मेरा जो वेबसाइट का और जो फेसबुक एंड इंस्टाग्राम का लिंक है वो कमेंट्स में पिन हो चुका है, तो आप लोग मेरा लिंक वहां पे चेक कर सकते हैं। और इट इज ऑल्सो बींग शेयर्ड बाय सनी बेदी, सो यू कैन चेक माई लिंक ओवर देयर एंड यू कैन ज्वाइन माई ग्रुप्स एंड माई पेजेस। ऑल राइट ओके ठीक है, लेट्स प्रोसीड। ये रेडी हो गया हमारा मैश पटेटो, और यहाँ पे रेडी हो गया हमारा ब्रेड का बेस। ठीक है, हम बना रहे हैं पटेटो कैनली, तो इसलिए मैंने स्टफिंग मैश पटेटो की दी है। नाउ इसी से ही हम फिलिंग करेंगे विद द फोर्क। अगर आप चाहे आप मैश पटेटो को ना पाइपिंग बैग में भी डाल सकते हैं अगर आप पार्टी वगैरह के लिए तैयार कर रहे हैं, बट मैं इसे ऐसे ही आई एम गोइंग टू प्लेस इट दिस वे। ठीक है, हम दो या तीन बनाएंगे फटाफट, आई एम जस्ट गोइंग टू प्लेस इट दिस वे। साथ ही मैं देख लेती हूँ इफ एनी वन हैज क्वेश्चंस। यस फौजिया जी, यू कैन डेफिनेटली ऐड ब्लैक पेपर पाउडर टू दिस, यू कैन ऐड, यू कैन सीजन दिस हाउ एवर यू वॉन्ट। इनफैक्ट अच्छा वह आपने मुझे याद दिलाया, मैं गार्लिक पाउडर भूल गई, मैं गार्लिक पाउडर इसमें डाल देती हूँ। ठीक है, ये एक तो बन गया, यहाँ मेरे पास गार्लिक पाउडर है, आई एम सॉरी आई फॉरगॉट दैट, तो मैं फटाफट इसमें गार्लिक पाउडर डाल देती हूँ। आप अनियन पाउडर भी डाल सकते हैं, आप फ्रेश गार्लिक भी डाल सकते हैं क्रश करके। इसे फिर से एक और बार मिक्स कर देते हैं। अगर जो आलू नहीं खाते हैं वो काफ़ी ऑप्शंस हैं उनके पास,
आप पनीर भी डाल सकते हो, आप सोया बीन्स का जो कीमा आता है उसे आप कुक करके डाल लीजिए, आप मिक्स वेजिटेबल्स को कुक करके डाल लीजिए, या तो फिर व्हाट एल्स, आई लाइक मशरूम्स, तो अगर मैं पटेटो नहीं खाती तो फिर मैं मशरूम्स डालती डेफिनेटली उसको कुक करके। ठीक है, अब नेक्स्ट वाला बना लेते हैं। अगर आप पाइपिंग बैग से करोगे तो जो भी आपका नोजल है वो नोजल का शेप आ जाएगा इस पे। सो आप अगर पार्टीज के लिए बनाओगे ना विद पाइपिंग बैग तो इट विल लुक वेरी प्रिटी। द सेंटर ऑफ द ब्रेड विल नॉट बी एम्प्टी, यू नो यू कैन पुश योर फिलिंग इन साइड द वे आई एम डूइंग। आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम योर एंड आई एम पुशिंग माई फिलिंग इन साइड, यू नो मैं ऐसे प्लेस कर रही हूँ एंड आई एम डूइंग लाइक दिस सो दैट माई फिलिंग गोज इन साइड, सो द सेंटर ऑफ द ब्रेड डजेंट रिमेन एम्प्टी। यू कैन डू द सेम अगेन इफ यू डू नॉट वॉन्ट टू डू दिस वे, यू कैन ऑलवेज यूज अ पाइपिंग बैग। पाइपिंग बैग से आप सेंटर भी फिल कर सकते हैं इसका। नाउ लेट्स मेक द थर्ड वन। ओके, ठीक मेक ओनली थ्री फॉर नाउ, ठीक है, और आल्सो आई विल टेक अप सम क्वेश्चंस, अगर किसी के पास कोई क्वेश्चंस है, और फिर हम इसकी प्लेटिंग कर लेंगे। ओके, लेट मी सी इफ एनी वन हैज एनी क्वेश्चंस, जस्ट गिव मी अ मिनट योर। ओके, यस जुनू जी, यू कैन डेफिनेटली, आप बिना फ्राई किए भी इसे बना सकते हैं। आप इसको ओवन में ग्रिल कर लीजिए, ठीक है, अपनी ब्रेड को आप ग्रिल कर लीजिए तो वो टोस्ट हो जाएगी। एंड यस, चीज एंड वेजीज आर डेफिनेटली अ गुड ऑप्शन। अब हम इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं फटाफट, ठीक है। यहाँ पे आई हैव अ सर्विंग प्लेट, एक बार मैं प्लेटिंग कर लूँ फिर मैं सबके क्वेश्चंस ले लूंगी। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक बना के रखा है, यहाँ पे मेरे पास स्प्रिंग अनियन की ग्रीन्स है, तो अगर आप चाहें तो आप इसे ना ऐसे रैप भी कर सकते हैं, इट विल जस्ट गिव अ क्यूटर लुक। यू कैन रैप योर कैनोलीज, क्योंकि हम एक सेवरी वर्जन बना रहे हैं। यू कैन रैप इट दिस वे। या तो फिर आप, आई हैव सम कोरिएंडर ऑल्सो, यू कैन जस्ट प्लेस वन कोरिएंडर लीफ दिस वे। ओके, आई विल स्प्रिंकल सम पार्सली ऑन टॉप एंड सम रेड चिली फ्लेक्स। रेड चिली फ्लेक्स हमने पटेटोज में भी डाला, आपको ज्यादा तीखा पसंद है तो आप ज्यादा चिली फ्लेक्स डाल सकते हैं, आपको जैसे पसंद है, यू कैन एडजस्ट द स्पाइस लेवल। सो आप पटेटो कैनोलीज आर रेडी, आई विल लुक इफ एनीबडी हैज एनी क्वेश्चंस। थैंक यू रजिया जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू जुनू जी।
राजवीर, मिल्क इज नॉट नेसेसरी फॉर दिस रेसिपी. हालांकि हमने सिर्फ एक या दो ही स्पून मिल्क डाला है, बट मिल्क डालने से ना इट विल जस्ट बिकम लिटिल मोर लिक्विडी एंड लिटिल मोर क्रीमिया. अगर आपको मिल्क नहीं यूज करना, आप थोड़ा सा ज्यादा क्रीम डाल लीजिए, दैट इज ऑल्सो फाइन. या तो जैसे मैंने बताया, आप थोड़ा चीज ग्रेट कर लीजिए, एक क्यूब लेके उसको ग्रेट कर लीजिए, और बटर और मिल्क के साथ उसे माइक्रोवेव कर लीजिए 30-30 सेकेंड्स के लिए, एंड मिक्स इट. इट विल गिव यू अ नाइस क्रीमी टेक्सचर. यस रचना जी, यू कैन यूज एनी फिलिंग ऑफ योर चॉइस, गुआकामोले, यू कैन यूज एनी वेजिटेबल्स, पनीर, मशरूम्स, वट एवर यू लाइक. ऑल राइट. तो गाइस, मेरा जो इंस्टाग्राम का और फेसबुक का जो लिंक है वो शेयर हो चुका है कमेंट्स में. प्लीज गो अहेड एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, फॉलो माई फेसबुक पेज, लाइक माई फेसबुक पेज, एंड ज्वाइन माई ग्रुप ऑल्सो. एंड आई होप यू ऑल हैव लाइक्ड माई रेसिपी फॉर पटेटो कैनोलीज. अगर आप ट्राई करेंगे, डू टैग मी एंड लेट मी नो हाउ यू फाइंड इट. आई एम श्योर यू गोना लव इट. एंड गार्लिक पाउडर या गार्लिक डालना मत भूलना, सारा फ्लेवर उसी का ही है. मैं भूल गई थी, बट यू डोंट स्किप दैट, दैट इज अ मेन इंग्रीडियंट. थैंक यू समीना जी, थैंक यू ममा. दलजीत जी, मैंने हंकर तो ट्राई नहीं किया है, आप ट्राई करके बता सकते हैं कि कैसे लगता है उसका टेस्ट. आई वुड लव टू ट्राई इट, बट आई हैव नॉट ट्राइड हंकर. आई एम श्योर इट विल टेस्ट गुड. ओके गाइज, आई होप यू लाइक दिस रेसिपी फॉर पटेटो कैनलीज. बनाइए, खाइए, मेक फॉर योर फैमिली, एंजॉय योर सेल्फ. आई टेक अ लीव. होपफुली सी यू अगेन विद अनदर वंडरफुल सेशन. हाउ मच टाइम वी कैन स्टोर द शेल्स? रितु जी, ये ना आई विल एडवाइस कि आप वाइट ब्रेड अगर यूज कर रहे हैं ना, आप इसे हल्का सा फ्राई कर लीजिए. लाइक अगर से 2-3 घंटे पहले आप फ्राई करके थोड़ा रख सकते हैं इसे, फिर फिलिंग डालने के पहले अगेन उसको रीफ्राई कर दीजिए जब तक वो गोल्डन ब्राउन ना हो जाए. क्योंकि मैंने ब्राउन ब्रेड यूज की है, वो फ्राई करने पे जल्दी ब्राउन हो जाती है. तो अगर आप ब्राउन ब्रेड यूज कर रहे हैं, प्लीज डोंट रीफ्राई इट, वरना वो ज्यादा डार्क ब्राउन हो जाएगी. आई विल एडवाइज इमीजिएटली आप फ्राई करके बनाइए, डोंट स्टोर द ब्राउन ब्रेड. ऑल राइट. पिंकी जी, अगर आप गार्लिक नहीं खाते हैं तो आप कैजन स्पाइस, बारबेक्यू सीजनिंग, बहुत सारे सीजनिंग मिलते हैं, ओरिगानो है, इटालियन सीजनिंग्स है, आप वो डाल सकते हैं, दैट इज ऑल्सो फाइन. ओके गाइज, आई टेक योर लीव. इट वॉज अ वंडरफुल सेशन. टेक केयर, बाय बाय, एंड सी यू सून.